हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओपनहाइमर नाम की जो है मूवी के बारे में। अब देखो इस मूवी का जो है मैं क्विक रिव्यू करने वाला हूं, कोई ज़्यादा जो है इसमें लंबी चौड़ी बातें नहीं करने वाला हूं। सारी बात करेंगे कि मूवी देखने लायक है या नहीं, किस टाइप की ऑडियंस के लिए मूवी रहने वाली है। देखो बेसिक स्टोरी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखो मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आपने इसका ट्रेलर देखा होगा और उसमें जो है आपके लिए सरप्राइज रहने वाला है। बस आपको मैं स्टार्टिंग का यही बताऊंगा कि स्टार्टिंग में उनके ऊपर एक कार्रवाई चल रही होती है कि उनने जो भी कुछ काम कराया होता है तो उसके ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहे होते हैं, जहाँ वो अपनी जो है दलील वगैरह दे रहे होते हैं, अपनी कहानी बता रहे होते हैं। और पूरी कहानी आपको ये देखने के लिए मिलेगी कि ओपनहाइमर जो है हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने जो है बम्ब जो बनाया था, एक आपके न्यूक्लियर पावर बम्ब जो भी होता है वो किस टाइप से बनाया था, और वो पूरी जर्नी जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। देखो कहानी यहाँ मैं जो है स्पॉइल ना करते हुए आपको इसकी जो है अच्छी बात और बुरी बातों के बारे में बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो ये मूवी जो होने वाली है ना, ये हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं होने वाली है। अगर आप जो ये सोच रहे हो कि इसके अंदर आपको एक्शन वगैरह देखने के लिए मिलेगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। मूवी के लिए आपको ऐसा कह सकते हो कि अगर आप जो है बेसिक थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते हो, थोड़ा बहुत क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हो ना, तो ये मूवी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन आप जो है बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाओगे इस मूवी को देखने, शायद ये मूवी आपकी जो है बाउंस हो जाए, क्योंकि मूवी के अंदर की जो कहानी है ना वो इतनी ज़्यादा डीप जो कह सकते हो इन्फॉर्मेशन रखती है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो फिजिक्स आना चाहिए, थोड़ी बहुत जो है क्वांटम फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए बेसिक्स के बारे में, तब जाके ये मूवी जो है आपको कहीं ना कहीं हिट करेगी। और अगर आप जो है फिजिक्स के स्टूडेंट वगैरह हो तब तो ये मूवी आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। लेकिन अगर आप जो है ओपनहाइमर की जो है बैकग्राउंड स्टोरी देखना चाहते हो तो उस हिसाब से इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। मूवी की प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि मूवी जो है ना एक फ्लो में तो नहीं चलती है, मूवी में एकदम से कट लगता है, दूसरी कहानी स्टार्ट मतलब दूसरा जो है पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस टाइप से आपको कहानी देखने के लिए मिलती है तो फ्लो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कभी आप ये सोचने लगो कि यार ये मूवी कहीं कटिंग पटिंग वाली तो नहीं है, मतलब इसमें काट काट के तो ऐड नहीं किया गया, बहुत लंबी मूवी थी कभी से छोटी कर दी गई हो, नहीं, मूवी की प्रेजेंटेशन ही आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगी। और ओवरऑल अगर बात करें मूवी की स्क्रीन प्ले के बारे में तो देखो स्क्रीन प्ले इसका काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और देखो मैं इसकी ज़्यादा ना बात करते हुए बस ये कहूँगा, देखो मूवी मुझे पसंद तो आई है लेकिन इसके लिए जो है एक बेसिक जो नॉलेज चाहिए थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से इस मूवी को जो है हर किसी को पसंद नहीं आने वाली है। और हाँ, इसे आप फैमिली के साथ चेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि मूवी के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको एक सीन देखने के लिए मिल जाता है जिसके बाद जो है आप इस मूवी को तो चेकआउट करोगे नहीं फैमिली के साथ। और हाँ, अकेले में ही चेकआउट करना, वैसे भी मत जाना कभी दोस्तों को लेके जाओ, और नौ मजाक बहुत ज़्यादा बनाएंगे, तू तो हमें देखने के लिए लाया था कि भाई ऐसी मूवी है वैसी मूवी है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वो मजाक बनाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी सी और कोई बात की जाए तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस मूवी से जो प्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलती है ना, उसकी जो वाइब थी वो मुझे उस वाली मूवी की याद दिलाई थी जो लियोनार्डो द कैप्रियो, अगर नाम सही बोला हो तो मैंने, जो थी द वुल्फ वॉल स्ट्रीट करके जो मूवी थी ना, वो वाली प्रेजेंटेशन वाइब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, जो स्टोरी टेलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी देखो मूवी के अंदर जो है आपको कलर और ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि इसमें थोड़े बहुत जो फ्लैशबैक्स से देखने के लिए मिलते हैं जो थोड़े बहुत डार्क टाइप के होते हैं, वहाँ पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है पूरी कहानी और बाकी जो कलर चलती ही रहती है, तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलती है। और बाकी जो कास्ट की बात की जाए तो कास्ट की परफॉर्मेंस इसमें सबकी आपको बढ़िया देखने के लिए मिलने वाली है। बस ये है कि मूवी जो है हर ऑडियंस को जो है पसंद नहीं आएगी, जिस वजह से शायद ये मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म ना करे। और एज अ रिव्यूअर के तौर या एज अ प्रो ऑडियंस के तहत अगर बात की जाए तो मुझे मूवी पसंद आई, मैं इस मूवी को जो है प्रमोट तो करूँगा ही कि हाँ भी आप लोग जाके इस मूवी को जरूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आखिर जो बॉम्ब था वो किस तरीके से निर्माण हुआ और उस बॉम्ब से कैसे जो है लोग मतलब जो हमारे ओपनहाइमर हैं उन्होंने किस तरीके से अपने ही हाथों से अपनी कब्र जो बनाई है, इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को चेकआउट करना पड़ेगा। और आई होप आपको रिव्यू में आगे होगा, रिव्यू पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ताकि बाबू सोना चालू होना कि मैं इससे पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाय कर दे वीडियो को एंड आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।